हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। नहीं आज का व्लॉग मैं जिम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मैं उठी और बहुत ही अच्छा मौसम था। मैंने बाहर बैठ के नाश्ता किया, कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ, और मोबाइल मेरा कमरे में था और मेरा कमरे में सो रही थी तो मैं कमरे में नहीं गई। तो मैंने कहा मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ व्लॉग। जिम मैंने कर ली है और बहुत ही मज़ा आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फ्यू मोमेंट्स लेटर आज मैं कुकिंग करने लगी हूँ और मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बन रही है भाई। प्याज मैंने निकाल दी और अब ये इसको फ्राई करना है। ये मेरे टाइप की चिकन कढ़ाई, अगर आप लोगों को सीखनी है तो सीख लो। इसमें मैंने पहले चिकन अलग से शेफ बाजला, इसमें मैंने चिकन पहले अलग से फ्राई किया और प्याज मैंने अलग से फ्राई किए हैं और फिर मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब ये थोड़े देर और पकेंगे तो मैं इसमें टमाटर डाल लूँगी। यम्मी 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 यम्मी। यहाँ मैडम मेरे आइसक्रीम खा रही हैं। अब इसमें जाएँगे टमाटर। वाह वाह इस बच्ची को देखो। नो, कोई हाथ नहीं लगाने आइसक्रीम का। अगर मुंह से तो हाथ निकाल दो। अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तौबा। उफ ट्राउजर शर्ट कपड़े मुंह उफ नाला भी गंदा हो गया। चलो वॉशरूम चलो चलो आप वॉशरूम चले आओ। लेट्स गो कम 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 लेट्स गो आ जाओ। गाइस हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है एंड ऑनेस्टली कितनी यम्मी लग रही है। अपने मान से बताएं कि कितनी मज़ेदार लग रही है। मज़ेदार हाय एवरीबॉडी। तो अभी मैं खाना बना के ऊपर आ गई हूँ और अब मैंने अभी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी है और इसके बाद मैंने आज मेरे यहाँ का हेयर कट भी करने, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं। माशाल्लाह से कर्ली बाल हैं उसके, लेकिन बहुत हल्के हैं। तो मैंने उसके बाल काटने हैं थोड़े से ताकि उसके बाल लंबे के साथ साथ हेल्दी भी हों। बट उससे पहले मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो मैं तैयार होकर पहले वीडियो बनाऊँगी, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ हेयर कट करूँगी, मिल के करेंगे। तो पहले काम कर लेते हैं फिर आई विल बी बैक। गाइज आई एम रेडी। मैंने कहा मैं आप लोगों को ऐसे भी दिखा दूँगी, मैं तैयार हो गई हूँ। उसके बाद मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ, कपड़े चेंज करके वीडियो बना के उसके बाद मेरा का हेयर कट करेंगे तो कपड़ों को चेंज कर लेते हैं। बूम आई एम रेडी एंड ऑब्वियसली इस वाले बालों से तो नहीं वीडियो बनानी, तो मैं बाल भी चेंज करने लगी हूँ। बट हेयर आई एम रेडी। अब मेरा को तैयार करना है और मेरा देखने क्या लग रही है। असल वीडियो मेरा की है, मैं तो साथ ना मेरा के बस समझ लें कि एक उसको हेल्पिंग हैंड हूँ। असल वीडियो मेरा की है और इसको देखने क्या लग रही है मेरा। मैंने अपने बाल भी बना लिए, ब्रेड्स बनी हुई थी, सिर्फ मैंने ब्रेड्स को खोला है रात को। आई टुक अ शावर, उसके बाद मैंने ब्रेड्स ऐसे ही बना ली थी। अभी मैंने ब्रेड सिर्फ खोली हैं और पिनअप कर लिया है। तो बस अब मैं मेरा को तैयार करने लगी हूँ, तो मेरा को तैयार करके आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा भी रेडी हो गई, इतनी ब्यूटीफुल बेबी, इतनी ब्यूटीफुल। चलो जी आ जाओ आओ कम 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 कम। इसके बाद मेरा का हेयर कट भी होना है अभी। तो गाइस हम लोग वीडियो वगैरह बना के काफ़ी लेट फ्री हुए थे, उसके बाद फिर खाना शाना खाया तो इस टाइम 12 बज गया। मैं मेरा का हेयर कट अभी नहीं करूँगी बिकॉज उसके बाद फ़ौरन से नहाना होगा, उसको बाल वगैरह चुभेंगे। तो सुबह पे हेयर कट करूँगी, उसके बाद आई शो यू गाइज एंड उसके बाद फिर जल्दी से शावर लेके ताकि वो सेट वेट हो जाए। तो अभी सोते हैं और फिर सुबह मिलते हैं। सब बखैर। हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। मैं जिम से वापस आ गई थी, खाना वगैरह भी खा लिया था, तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट आप लोगों को जो है वो मेरा के हेयर कट पर लेके जाती हूँ, बजाय इसके कि मैं आप लोगों को अपना खाना दिखाऊँ, ये दिखाऊँ वो दिखाऊँ। तो आज मुझे करना था मेरा का हेयर कट, तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ और फिर उसके बाद शेल टेक अ शावर। और मौसम भी बहुत ज़्यादा बदल गया है, 2-4 दिन में ही पंखे लिटरली बंद होने को आ गए हैं और रात में तो अगर आप 0 पे भी जाते हो तो बहुत ठंड लगती है। तो बस जल्दी से अब क्विकली मेरा का हेयर कट करते हैं ताकि वो रात होने से पहले नहा भी ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली मैंने अपने बेबी का ये वाला हेयर कट किया है।
जो कि मैं आप लोगों को नई नई करके दिखाता हूँ। वाओ ब्यूटीफुल गाइस, ये मिर्हा का बाल काटते काटते मैंने अपनी उंगली काट ली है। उफ, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा लेकिन इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है। मैंने बेसिकली ऐसे बाल पकड़े हुए थे ऐसे करके, और साथ ही उसका ना बालों के साथ ही कैंची, मुझे पता नहीं था कि नीचे मेरा हाथ है, मैंने काट दिया। ओह माय गॉड, हेयर कट हो गया। वाह, अभी तो गीली हैं इसलिए ऐसे लग रहे हैं, लेकिन हम आपको ड्राई करके भी दिखाएंगे सुबह में। मेरा स्माइल, वाह डॉल, इतनी प्यारी डॉल मेरा, तैयार हो गई है। मगर मेरा का हेयर स्टाइल नहीं पता चल रहा, मगर हम तैयार हो गए हैं। मेरा लुक स्माइल, स्माइल मेरा। गाइस, अब तो वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो। वो जलाल पीछे से जो है वो मुझे ताड़ तो अभी मेरी हालत बहुत टाइट है, बिकॉज मैंने आज रोज़ा रखा हुआ था। लेकिन ये वाला जो व्लॉग है जो आप आज देखोगे, इसको मैं अभी एंड कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे रोज़े वाला है वो आप लोग कल देखोगे। तो एनीवेज, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जलाल काम कर रहे हैं तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। लैपटॉप जलाल का पड़ा हुआ है, एक्टिंग है, सारी एक्टिंग है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।